अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर विभिन्न किरदारों को बड़े पर्दे पर जीने वाली 1960 के दशक की फेमस एक्ट्रेस आशा पारेख का कहना है कि शौहरत की गलियों में भी इंसान कई बार अकेला पड़ जाता है। अपने जमाने की सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का कहना है कि एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें अवसाद का सामना करना पड़ा था। ईयर 1959 से 1973 तक बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस ने शम्मी कपूर, देव आनंद, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना जैसे कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। आशा पारेख ने कहा कि उनके लिए एक बेहद बुरा दौर भी था। उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, वो बिल्कुल अकेली थी, उनको सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता था। बेहद दुखी महसूस करती थी और कई बार ऐसे ख्याल भी आते थे कि आत्महत्या कर लें। फिर भी वो उससे बाहर निकली। वो समय काफी स्ट्रगल वाला था। उस सब से बाहर निकलने के लिए आशा पारेख को डॉक्टर की मदद भी लेनी पड़ी थी। एक्ट्रेस ने कहा कि कई बार एक्टर लाखों फैंस का प्यार कमाते हैं, शोहरत भी कमाते हैं और उसके बाद भी अकेले होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।